तो ये है दोस्तों बजाज की पल्सर N250, ये 2024 का मॉडल है दोस्तों, और हो सकता है तो इसमें अपडेट आने वाला है डिजिटल मीटर का, और ये इसका ओल्ड मीटर वाला मॉडल है। और इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, पावर क्या जनरेट करती है, फ्यूल एवरेज क्या है, मैं वीडियो बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस बाइक की, तो इस बाइक का जो ये लुक है ये प्रॉपर N160 वाला, सेम हर चीज़ सेम है, बस आपको इंजन अलग मिलेगा, इंडिकेटर्स अलग मिलेंगे, बस और कोई चेंज नहीं है। फ्रंट से अगर देखेंगे तो ये पूरी N160 का फील आपको दे देगी। फ्रंट में अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं LED DRLs, और बीच में आपको BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, और प्रोजेक्टर जो है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, मतलब कसम से प्रोजेक्टर इसका बहुत ब्राइट है। यहाँ पर आपको रेड और ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं दोस्तों, और मडगार्ड 2 पीस में मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश और यहाँ पे मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। डुअल चैनल ABS मिल जाता है, टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन, और यहाँ पर आपको मिल जाती है 300 mm की डिस्क ब्रेक, जिसमें मिल जाते हैं क्रेमिका के ट्विन पिस्टन कैलिपर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है सस्पेंशन के ऊपर रिफ्लेक्टर दोनों साइड मिल जाती है, और यहाँ पे टेलीस्कोपिक फॉर्क दिया गया है, थोड़े से मोटे फॉर्क हैं, और यहाँ पे आपको पूरी वायरिंग हाइड करके मिलेगी, जो लुक है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है। 180/17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है फ्रंट में दोस्तों, और यहाँ पर आपको मिल जाता है सिंगल पीस में हॉर्न, यहाँ पे वाइट और ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, बाकी ये पूरा ऑयल कूलिंग वाला इसका सिस्टम है, ये लिक्विड कूल के साथ नहीं, ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड के साथ आती है। क्रैश गार्ड 2 पीस में मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंजन गार्ड मिल जाता है दोस्तों, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी इस इंजन में आपको किक देखने को नहीं मिलता है, इसमें DTSI ट्विन स्पार्क वाला इंजन मिल जाता है, इसमें लगा है 249 cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वॉल्व VS6 FI इंजन। ये इंजन मैक्सिमम पावर 24.5 PS की 8,250 RPM पर, और 21 Nm का टॉर्क 6,500 RPM पर। यहाँ पर आपको मिल जाती है एडजस्टेबल फुटपैक्स और ब्रेक का लीवर, यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है ट्विन बैरल टाइप का, और N160 में आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होकर और काफ़ी ज़्यादा बेसी है। यहाँ पर पीछे वाले डिस्क का ऑयल मिल जाता है, यहाँ पे फुटरेस्ट के पास ये कवर लगाया गया जिससे कि पैर आपके जो है वो सेफ रहे। यहाँ पे आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मड फ्लैप के साथ, जिससे कि कीचड़ से आपके सस्पेंशन जो है वो गंदे ना हो दोस्तों। पीछे वाले टायर साइज की बात करें तो 130/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, बड़ा सा पीछे आपको टायर हगर देखने को मिल जाएगा। बाकी पीछे से कुछ लुक इसकी इस तरीके से आती है, मैं चाबी को ऑन करके आपको इसकी पीछे वाली टेल लाइट भी चेक करा देता हूँ। पीछे वाली टेल लाइट आपको क्रिस्टलाइन ग्लैडर टाइप की स्प्लिट टाइप में देखने को मिल जाएगी, बाकी स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स और डोमिनार वाले इसमें इंडिकेटर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं एरो टाइप के इंडिकेटर्स। यहाँ पे बड़ा सा टायर हगर और 130 mm ब्रॉड टायर आपको पीछे वाला मिल जाएगा। तो टायर साइज़ की अगर मैं पीछे वाले थोड़ा बात करूँ तो पीछे वाले थोड़ा सा टायर 250 cc के हिसाब से थोड़ा सा और चौड़ा होना चाहिए था। पीछे आपको 230 mm के डिस्क ब्रेक निफिन के कैलिपर यूज़ हो जाते हैं पीछे की तरफ, आगे क्रेमिका के। यहाँ पर आपको मिल जाती है टेल टाइडी, और नीचे की तरफ चले तो यहाँ पर कंपनी फिटेड लेडी पिलियन की सेफ्टी के लिए साड़ी गार्ड, जिसमें कि आपका जो साड़ी और कुछ कपड़ा है वो टायर पर ना फंसे। चैन सेट कवर ओपन दिया गया है, और यहाँ पर मड फ्लैप के साथ अटैच भी है। एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं आपको दोस्तों, तो ये काफ़ी प्यारी चीज़ लग जाती है। और यहाँ पर आपको सीट का लॉक मिल जाता है, और सीट काउल पे N250 की ब्रांडिंग, यहाँ पे ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सीट काउल पे N250 की ब्रांडिंग। और इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 14 लीटर की, 14 लीटर का टैंक मिल जाता है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है, 5 गियर मिल जाते हैं इसको 250 cc में दोस्तों। यहाँ पर आपको बजाज का लोगो, साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर, मेन स्टैंड इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर 2 पीस में ग्रैब रेल्स, पूरा ऑयल कूलिंग का सिस्टम, नीचे आपको इंजन गार्ड मिल जाता है, यहाँ पे मड गार्ड मिल जाता है दोस्तों। बॉडी के इस गाड़ी के कर्वेट की बात करें तो 162 kg की ये गाड़ी है दोस्तों। टैंक पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेश और ब्लैक कलर के
ब्लैक कलर मिल जाता है और ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बाकी साइड कॉल पे आपको पल्सर की ब्रांडिंग और भाई इमोशंस के साथ ये आरपीएम और सेमी डिजिटल वाला मीटर कंसोल जहर लगता है। 250cc में आपको वेव की देखने को मिल जाती है, बाकी जो N160 है उसमें आपको नॉर्मल सी चाबी देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाता है और मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। E20 फ्यूल को ये सपोर्ट कर लेती है। 12 वोल्ट का USB चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। हैंडल बार कम से कम इसमें क्लिप ऑन टाइप की देनी चाहिए थी। यहाँ पे पल्सर की ब्रांडिंग क्रोम फिनिशिंग के साथ 3D में दोनों तरफ, और यानी हैंडल बार में जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। बाकी मीटर कंसोल आपको यही रखना था। ये मीटर कंसोल बहुत ही लाजवाब लगता है जब RPM मीटर 0 से 12 तक जाती है। और यहाँ पर अगर मैं इसके स्पेक्स के बारे में बताऊँ मीटर के बारे में, तो यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर और स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लॉक वगैरह मिल जाती है। बाकी इसका बटन से आपका पूरा मीटर कंसोल और प्रोजेक्टर पूरा चलता है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है आपको मोडो सेलेक्ट की बटन, इसमें IFE, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो इसकी फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है दोस्तों। यहाँ पे मोडो सेलेक्ट की बटन मिल जाती है जिसमें कि यहाँ पे IFE और वगैरह मिल जाता है। और इंडिकेशन स्लाइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बैटरी की वार्निंग, इंजन माल फंक्शन, ABS, न्यूट्रल की लाइट देखने को मिल जाती है। और मैं इसके स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पासिंग का बटन, अपर डिपर, इंडिकेटर का स्विच, और इसकी लाइट का थ्रू आउट है वो काफ़ी अच्छा है। नीचे इंडिकेटर और हॉर्न का बटन मिल जाता है। यही मैं अगर राइट साइड की तरफ चलूँ तो यहाँ पे आपको रेड कलर का इंजन किल से जो नीचे हेडलाइट का स्विच और नीचे सेल्फ। तो चलिए बाइक की आवाज़ को सुनते हैं सबसे पहले, क्योंकि ट्विन बैरल एग्जॉस्ट है, इसकी आवाज़ देखते हैं कैसी है। दोस्तों इसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, इंजन से कोई साउंड नहीं है, सिर्फ स्टार्ट होने की साउंड है और कोई भी साउंड नहीं है। बहुत रिफाइंड इंजन है इसका। यहाँ पे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको, फ्रंट से कुछ लुक इस तरीके से निकल कर आता है। तो बात करते हैं अब इस गाड़ी के प्राइस की, तो बजाज पल्सर N250 की एक्स शोरूम प्राइस है लखनऊ में 150,432 रुपये, और इसकी ऑन रोड प्राइस है दोस्तों 182,183 रुपये। ये मैंने आपको JPS बजाज बालागंज लखनऊ की बताई है। और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।